Is the screen visible to all of you? Hello. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes sir, screen visible है. Yes sir. Okay, yes, sir, screen. अब आपको मैं डेफिनेशन सिखा रहा हूँ डेरिवेटिव की. सुने, ये लिखा है पैरा 2 पे. The derivative of function f at a point x naught denoted by f dash x naught is, देखिए ऑलमोस्ट की वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्लोप लिखा था. यहाँ पर दिस डेफिनेशन इज सेम. तो अब चाहे वो स्लोप हो चाहे वो डायरेक्टिव, लेकिन हमने इस पॉइंट एक्स नॉट पे निकाला है. अगर जनरल पॉइंट एक्स होगा तो यहाँ फिर आप एक्स लिखेंगे और फिर यह एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर एक्स नॉट की जगह एक्स आ जाएगा. यू रिप्लेस इन जनरल तो डायरेक्टिव आ जाएगा सिंपली. लेकिन हम उस डायरेक्टिव की वैल्यू निकाल के जब हम पॉइंट पुट करते हैं तो दिस बिकम्स अ स्लोप, योर डायरेक्टिव एट दैट पॉइंट. एक ही बात है ना, कहा था ना मैंने डी वाई ओवर डी एक्स एट दैट पॉइंट. तो दिस इज एफ डैश एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट एक्सिस्ट. अब इसी डेफिनेशन को अब आपने यूज करना है पूरी इस एक्सरसाइज 3.1 में. देखिए मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिखा है, जब आप ये बुक खोलिएगा ये दो पेजेस नोट कर लें. एट पेज 126 इज दिस एक्सरसाइज 3.1 एंड एट पेज 1108 जब आप डालेंगे इसके ऊपर आपके पास जो टॉप पे, तो ऑटोमेटिकली आंसर का पेज खुल जाएगा. ऑड नंबर प्रॉब्लम्स के दी आंसर आर अवेलेबल टू यू. जो भी ऑड नंबर इवन नंबर वो कहते हैं आप खुद कीजिए, ताकि टीचर आपको असाइनमेंट उसमें से दे तो वो आप पीछे से जवाब देख के मत लिखें, खुद दिमाग से कैलकुलेट करके लिखें. ओके, इन एक्सरसाइज 5-10 फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देखिए अभी नहीं पढ़ाई मैंने आपको, लेकिन आपने इंटरमीडिएट में जरूर पढ़ी हुई है. देन स्केच द कर्व एंड टेंजेंट टुगेदर. दोनों ये आपका कर्व है वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स. क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ मैं. पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 2, ठीक है. एट द गिवन पॉइंट इसने बताया ना, दिस इज द गिवन पॉइंट एंड दिस इज द कर्व. हियर एफ एक्स, हम वाई को हमेशा एफ एक्स लिखा करेंगे, याद रखिएगा. अगर ये फंक्शन राइट साइड पे टी है, टर्म्स टी में आ रही, तो हम एफ टी लिखेंगे. अगर ये आर है तो ये फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है. राइट साइड पे जो वेरिएबल है वी कॉल इट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल रिटन ऑन द लेफ्ट दैट इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. एफ एफ एक्स ये है और इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं. एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 पुट किया, अंडर रूट 1 विल रिमेन 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2. अब आइए हम निकालेंगे अगला पॉइंट. डेफिनेशन में आपने पढ़ा है ना कि एक्स प्लस एच होता है. चलिए जी एक्स को रिप्लेस करने एक्स प्लस एच से, ये एफ एक्स था एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, ये 2x प्लस एच आ गया, ठीक है. एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है. जब मैं यहाँ पुट करूँगा एक्स की वैल्यू 1 तो मेरे पास बचेगा क्या, एफ ऑफ 1 प्लस एच दैट इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एच. अब ये डेफिनेशन स्लोप की, ये डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव निकाल के पॉइंट पुट करने एक ही बात है. चलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच जब हम पॉइंट पुट कर रहे हैं ना, ये आ रहा है ना पॉइंट पुट करने के बाद, तो ये स्लोप बन जाएगा. ये रख दें, इसकी जगह आपके पास ये वैल्यू आ गई ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस एच. और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, ये निकाला है हमने, एफ एक्स जो है वो एफ 1 बन गया और उसका आंसर था हमारे पास 2 एंड डिवाइडेड बाई एच, एच एज इट इज लिमिट एच टेंड टू 0. यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाने का फायदा नहीं है जब तक यहाँ तक स्टेप्स क्लियर ना हो. Anybody having any problem? एफ एक्स इज गिवन और एफ एक्स प्लस एच निकालें आपको, तो रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस एच, फिर एक्स की वैल्यू रख दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. यस, एनी प्रॉब्लम पे anybody? नो सर, क्लियर है. क्लियर है, शाबाश, आगे चलते हैं. ये लिमिट्स मैंने सिखाई थी आपको, याद है पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी.
देखा करें, लेक्चर्स को तैयार करके आए ताकि अगला लेक्चर डेवलपमेंट हो सके। तो ये मैंने कहा था अंडर रूट में आ रहा हो जब एक फैक्टर, तो हम क्या तरीका कार करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। टू एवेलुएट सच लिमिट्स वी गो फॉर द रैशनलाइजेशन। एंड हाउ डू वी रैशनलाइज, यू सी दिस इज द डिफिकल्ट टर्म विच इज देयर अवेलेबल टू यू इन द न्यूमरेटर। यू जस्ट इंटरचेंज द साइन इन बिटवीन, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, एंड देन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय विद द सेम टर्म आफ्टर चेंजिंग दिस साइन। तो अब आप इसको ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस अंडर रूट वन प्लस एच प्लस टू से ऊपर, एंड द सेम टर्म यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर। ओके, रैशनलाइजिंग वी गेट एम द स्लोप लिमिटेशन टू जीरो। पहले तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है यू राइट एज इट इज एंड देन गो फॉर द रैशनलाइजेशन। जस्ट कीप इन माइंड यू आर नॉट यूजिंग द सेम साइन, अपोजिट साइन। देन then multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator. I had been telling you in the past also, if the first term is same as the first term in the next which you are multiplying and the second is also the same, in between one term is having a minus sign, another is having a plus sign, so you apply the formula a minus b into a plus b. Once you multiply you get a square minus b square. In the 8th class, you had studied this formula, okay? A square minus B square, इसका factor क्या बनता है? A minus B, A plus B. But if you multiply these two factors, you will be getting the answer as A square minus B square. So, squaring the first term, then minus squaring the second term, ये ऊपर वालों दोनों की product हो गई, multiplication is complete. So, in the denominator, don't open the bracket, ऐसे ही रहने दें. Let it be as it is. This all problem is existing due to this h in the denominator. ये अभी cancel हो जाएगा, देखिएगा अब आकर. Okay, once you take the square, तो 2 will become 4 and square root will just vanish. So inside you will be getting 1 plus h. The square of 2 is 4. Denominator is same as. Then open the bracket 4 plus 4h. 4 will be cancelled. 4h will be there in the numerator. Denominator as it is. Now h factor can be cancelled in the numerator as well in the denominator. So h has been cancelled. Now you are left with 4 upon under root 2 inside is 1 plus h plus 2 and limit is h tending to 0. Put the limit now. The moment h is 0, you are getting here 4 divided 2 plus 2 is 4 equal to 1. So this is your slope. But my question is still not complete because the author is asking you what to do, that you are to find the equation of the tangent curve. Yeah. So far you have calculated only the slope and actual task is to find the equation of the tangent. Agar aapko yaad ho, there is an equation of the straight line you have studied, that is point slope form. देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, दिस इज इक्वेशन, वी कॉल इट पॉइंट स्लोप फॉर्म। देयर इज वन पॉइंट एंड वन स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विद स्लोप एम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे the value of m we have calculated 1. देखिए गलती से यहाँ लिखी हुई है, स्लोप इज 1, ओके यहाँ पे जेन में आ रहा था शायद 1/4 है, स्लोप इज 1, तो पुट इंस्टेड ऑफ m एज 1, एंड व्हाट इज द पॉइंट x1 y1 व्हिच इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। ये देखिए दिस इज द पॉइंट,
point coordinate you will consider first as x1, second as y1. Put these two points and slope you have calculated as 1. So instead of m, you will be writing 1. And x1 is 1 and y1 is 2. Just simplify y minus 2. Once again, if you just multiply it, will remain the same x minus 1. 2 ko idhar shift kar lijiye, y idhar aake 2 plus mein aa jayega, plus 2 minus 1 will become x, y equal to x plus 1. This is the equation of that tangent. Remember, any point not clear to anybody, aap zehn mein rakhiyega. Main iska agla question bhi kara raha hu, iske baad fir aap mujhse sawal puch lijiyega. This similar question I'm doing so that the concept should be more clear to you. In exercise 11 to 18, find the slope of the function's graph at the given point. Then find the equation for the line of tangent, the tangent line to the graph there. Now question of 15, ht is equal to 3. ठीक है, एक ही बात है. आप एफ टी लिखें, एफ एक्स लिखें, या उसकी जगह एच एफ जी एच, दीज आर डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, दे आर यूज्ड फॉर डिनोटिंग द फंक्शन. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, द पॉइंट इज 2, 8. दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू. अब स्लोप कैन बी फाउंड. देखिए अभी मैं डेरिवेटिव कैसे निकाल रहा हूँ, बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव. सो लिमिट h tending to 0, h क्योंकि h का फॉर्मूला है, तो h t naught plus h minus h into t naught. अब ये दो वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए इन द न्यूमरेटर. h t naught, h t भी है तो t naught रख दें. t naught का मतलब क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका h2. जब h को मैं 2 रखूंगा तो 2 पावर 3 मींस 8. ओके, और एच टी नॉट प्लस एच, टी की जगह टी नॉट प्लस एच रख दें तो ये टी नॉट प्लस एच का पावर 3 हो जाएगी. टी नॉट की वैल्यू रख दें, टी नॉट की वैल्यू हमारे पास 2, 2 प्लस एच की पावर 3. तो ये हो गया एच टी नॉट प्लस एच की वैल्यू, एंड दिस द वैल्यू 8 फॉर एच टी नॉट. यूज द फॉर्मूला, ये आपके सामने फॉर्मूला, और दिस वैल्यूज हियर. तो एम विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टी नॉट प्लस एच का मतलब क्या बन जाएगा, 2 प्लस एच पावर 3 माइनस एच टी नॉट यू हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 8 अपॉन एच. हियर यहां पे रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अंडर रूट. यू कैन डायरेक्टली ओपन द फर्स्ट टर्म विद पावर 3 बाय यूजिंग द क्यूब फॉर्मूला. हां, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है हाउ टू एक्सपेंड इट. सो एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला. तो 2 पावर क्यूब 8 हो जाएगा. फिर इन दोनों आप एक का 3 टाइम्स स्केल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स. जी तो 3 टाइम्स आप पहले ऐसे ले लें तो 3 टू द 6 और इसके ऊपर एच स्केल आ जाएगा. फिर इसका जब स्केल लेंगे 4 थ्री द 12 और ये सेकेंड टर्म ऐसे आ जाएगी. ठीक है, एंड द क्यूब ऑफ द लास्ट टर्म minus 8 upon h, 8 will be cancelled. Take h common throughout in the numerator, h is taken common and has been cancelled by the denominator. Or h ko 0 rakh dijiye, ye 0 ho jayega, last term 0 ho jayegi, so you will be left with 12. 12 is the slope. So we have found the slope by using the definition of the slope. Theek hai, ab equation of tangent, as I told you, y minus y1 equal to m into t minus t1. y1 और x1 I told you, ये आपके फॉर्म, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. फर्स्ट टर्म इज x1, सेकंड टर्म इज y1, 2 एंड 8. x1 इज 2, y1 इज 8. तो यहाँ पे y1 को 8 रख दिया और x1 तो यानी ये t1 है तो t1 को 2 रख दिया, बिकॉज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t इंस्टेड ऑफ x, तो t माइनस t1 हो जाएगा. टी एज इट इज, टी और वाई हमने नहीं छेड़ना, इनकी जगह कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है, दे रिमेन प्रेजेंट एज द वेरिएबल इन द इक्वेशन. सो वाई माइनस 8 इज 12 टी माइनस 24. सिंप्लीफाई, शफल दिस माइनस 8 टू द राइट साइड, इट विल बिकम प्लस, तो माइनस 24 प्लस 8 विल बी माइनस 16.
So y equal to 12t minus 16 is the equation of the tangent line. जी अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा. Anybody? Yes, anybody who wants to ask a question? किसी को कोई सवाल पूछना है? नो क्वेश्चन? चलो फिर आगे चलते हैं. आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? हेलो In exercise 19 to 22, find the slope at the given point. The equation is given y equal to 5x minus 3x square. The point only one coordinate x1 is given. देखिए अब ये आपके कॉमन सेंस को ये पूछ रहे हैं. How can we find the second coordinate if only the value of x1 is given? To put this value of x in this equation, the 5 into 1 minus 3 into 1 square, this will become 5 minus 3. The value of y will become 2. X is 1, then y will be 2. That you can calculate it directly from this given relation, if at all y coordinate is not given. So you calculate yourself, because you need to find. Okay, in this case is only to find the slope, so there will be no need to find y. But in case the author is asking you to find the equation of the tangent line, then you need to find the y coordinate. So I'm telling you that method. But in case only to find the slope, so you need not to find the y coordinate. Fx naught, if I put x as x naught and then I put the value of x naught is your 1, put here. That will become 2. F of x naught plus h. So this will become, yahan dekhiye x ki jagah likhenga x naught plus h. Yahan pe bhi likhenge x naught plus h whole square. The value of x naught is 1. You'll be getting this relation. Then open these brackets. This will become 5 plus 5h. And the square of 1 plus h will be 1 plus 2h plus h square. Minus 3c of multiplying period. You'll be getting this expression, then simplify. 2 plus 5h or minus 6h will give you minus h. And 5 minus 3 will be 2, and minus 3h square as it is. Okay. This is the expression for x naught plus h. Now substitute these values. You for this one, you'll be writing 2 minus h minus 3h square. And for x naught, this value we have got 2, put s2 here. Limit h is tending to 0. Again, open the brackets. Minus 2 and plus 2, they will be canceling each other. The over left term are minus h plus 3h square divided by h. Now, h is common, take it common, and limit h tending to 0. When h is 0, the second factor will go 0, and you will be left with minus 1. So gentlemen, the slope is minus 1. Yeah, any problem to anyone? Main aap sabse pooch raha hu, aap bataiye. Yeah, anybody you can unmute yourselves. आप unmute कीजिए और मुझसे पूछिए अगर कोई question है आपके दिमाग में. Is the screen clear to you or not?
आपके अंदर एक गंदा कैरेक्टर मौजूद है जो क्लास की आईडी देता है अपने किसी नॉनसेंस फ्रेंड को और ये हरकत होती है। सीआर आर यू लिसनिंग माय वॉइस? आपको आवाज आ रही है सीआर? मिस्टर दानियाल आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है मिस्टर सर? यस सर, वो आपने सर सबको म्यूट कर दिया था इस वजह से कोई बोल नहीं सक रहा। आप देख रहे थे ना कि ये बदतमीजी हो रही थी क्लास में, इसलिए। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। वो ठीक है ना, मैं बार बार सीआर को रिक्वेस्ट करता हूँ, उसे कंट्रोल नहीं होती क्लास बाद फिर वो हर दफा उसको पावर ऑफ क्या देनी पड़ती है अथॉरिटी के वो काम करे इसको, तो वो बस अब ठीक है। ये मैंने बेहतर तरीका ढूंढ लिया, लेकिन आपने जो गंदा अंडा उसको ढूंढे, हु इज द गंदा अंडा, ये किस किस नाम? वो चेंज करके आ रहा है बार बार चेंज, कभी किसी आईडी से आ रहा है, कभी किसी का नाम यूज करके आ रहा है, इस तरह पता नहीं लग रहा क्योंकि ये तो फिर अब या तो कोई पीछे से आईपी एड्रेस ही देखेगा। तो मेरी बात सुनो, जो भी जिसका भी वो नाम यूज कर रहा है ना, वो नाम तो नोट करो दो तीन, ठीक है? ये सर वो ज्यादातर गर्ल्स के नाम से आ रहा है। पता नहीं, ये जाहिर है हमारे अंदर से लोग दे रहे हैं ना इनको आईडी, जो लिंक है। बिल्कुल सर, ऐसे किसी गंदे लड़के से कोई जो ये पढ़ना नहीं चाहता, जिसने फेल तो होना ही होना है, वो तो यहाँ तफरीक करने के लिए आ रहा है ना, इडियट। चल करें बताइए जी, इनके माँ बाप ने सिखाया ये गेम। तो ऑल द थ्री क्वेश्चंस व्हिच मैं जो सिखा रहा था आपको बता रहा था, ये मेरी आवाज तो आ रही थी ना आप लोगों को? ये सर आवाज आ रही थी, ठीक है। और देख लीजिए, मैं कुछ और भी आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ। नाउ स्विचिंग, ये एक्सरसाइज 3.1 मैंने कर दी, उसमें से स्लोप निकालना आपको सिखा दिया बाय डेफिनेशन, उसमें से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना सिखा दी। अभी तक हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, अच्छा। अभी हमने डेरिवेटिव के कोई रूल्स को इस्तेमाल नहीं किए, अभी आप पढ़ेंगे इसको डेरिवेटिव के रूल्स को भी, और उनको अपने याद भी रखना है कौन सा रूल कहाँ लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन फंक्शन और द एक्सप्रेशन टू यू। ओके, देखिए अभी क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.2 है, इट इज ऑन पेज 133। यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट द डेरिवेटिव इन एक्सरसाइज 1-6, फाइंड derivatives as specified। फिर ये सारी चीजें आप निकाल, जैसे जैसे उसने कहा है वो निकाल। जी टी इज गिवन 1/t स्क्वायर, तो हियर आप निकालिए जी टी ब्रैकेट में लगा के, इसको मैं लिखूंगा 1/t स्क्वायर, तो गिवन है ही है, जी टी प्लस एच कैसे निकालेंगे, टी की जगह टी प्लस एच कर दें, तो 1/ टी स्क्वायर था, तो ये टी प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव वी हैव, ये फॉर्मूला है डेफिनेशन का याद रखिएगा, जी टी डैश, जब हम डैश डाल देते हैं इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश डालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, थ्री डैश डालेंगे तो थर्ड टाइम द डेरिवेटिव। सो ओके, फर्स्ट यू लर्न हाउ टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, आगे पढ़ेंगे हम आगे चल के हायर डेरिवेटिव्स। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, जी टाइम्स टी प्लस एच माइनस जी टाइम्स टी डिवाइडेड बाय एच, जी टी प्लस एच ये हमने निकाला है, इसका आंसर है 1/t प्लस एच होल स्क्वायर, जी टी इज गिवन टू यू दैट इज 1/t स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज रखी आपने एंड डिवाइडेड बाय एच, एच स्टैंडिंग टू जीरो।
तो टेक द एलसीएम ऑफ द न्यूमेरेटर वैल्यूज, न्यूमेरेटर में दो वैल्यूज हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या होता है, अगर द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यू जस्ट मल्टीप्लाई देम, दैट इज योर एलसीएम. तो टी स्क्वायर टाइम्स टी प्लस एच होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यू मल्टीप्लाई, दिस योर एलसीएम. अब ये एलसीएम को आप डिवाइड करते हैं बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये टी प्लस एच होल स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड and will be left will be t square, isko upar mark multiply karenge, t square into 1 will remain t square. Same goes for the second. Now here in this case t square will be cancelled and the leftover term will be t plus h square, isko aap upar multiply karenge to ye aa jayega t plus h whole square and divided by whole divided by h. Open the square here, t square as it is, then t square प्लस टू टी एच प्लस एच स्केयर, और मैं साथ ही ब्रैकेट खोल भी रहा हूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. इन साइड द ब्रैकेट एवरी टर्म विल बी प्लस एंड द मोमेंट यू विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट एवरी टर्म विल बी कंटेनिंग द माइनस साइन, बिकॉज आउट साइड इज ए माइनस साइन, सो एवरी टर्म विल बी देन विद ए माइनस साइन. देन कैंसलिंग द कॉमन टर्म्स विद अपोजिट साइंस, टी स्केयर विल बी कैंसल्ड, here is minus 2th minus h square. Now what is common? Nothing is common now. Well ye jo h hai na, isko maine 1 upon h likhna hai, kyunki ye h upon 1 hai, ye to ek term hai na. Remember first ye jo do hai na upar niche likhi hui, ye ek term hai. H can be once you multiplying to 1 upon h ho jayega, right? Then take common h is common from the numerator, h is common minus 2t plus minus h, and in the denominator this h and the whole factor is ko multiply kar de, this will become t4 minus 2h t cube plus t square h square. H is cancelled, after that you can put the limit. But ensure agar aap cancel karne se pehle aap rakhenge तो h ऊपर भी है h नीचे भी, ये सब 0.0 हो जाएगा. एंड रिमेंबर 0.0 इज नो आंसर टिल यू आर गेटिंग दिस सिचुएशन, द फॉर्म इज 0.0. आई हैड बीन डूइंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज वंस यू वर स्टडिंग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. तो टिल यू आर गेटिंग द आंसर एज 0.0, कीप ऑन सिंप्लीफाइंग, रैशनलाइज, और यू ओपन द ब्रैकेट्स. Then cancel the common factor which is creating a trouble of zero in the denominator. जब वो cancel हो जाए तो फिर आप limit put कीजिए as h is tending to zero. ये हमने h को अब zero रखा तो this term has gone zero, the last two terms have gone zero because they are a multiple of h. नीचे है बच गया t4, तो ऊपर आ गया minus 2t, नीचे बच गया t4. Simplify. हाँ बोलो बोलो. अच्छा ये एच जो है ना वो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसीलिए. अब आप इसका ओपन करें स्क्वायर तो टी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड. अब ये बच गया आपके पास, इसमें से भी आप अब दोनों में h मौजूद है तो h कॉमन. जब तक आप नीचे वाले h से ऊपर वाले को नहीं कैंसिल करेंगे, क्योंकि h is tending to zero, तो नीचे zero तो है, वो आपको क्या आंसर देगा, इन्फिनिटी देगा ना, इन्फिनिटी इज नो आंसर, ठीक है. तो ये कैंसिल करना जरूरी है, जब तक ये फैक्टर जो ट्रबल दे रहा है, इस ट्रबल को ट्रबल शूटर लगाए और ये खत्म हो गया, अब आप लिमिट पुट करें. ये जीरो सेकंड फैक्टर और आखिरी दो फैक्टर यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, तो माइनस टू टी अपॉन टी फोर ये बचेगा, ये भी कैंसिल कर, माइनस टू अपॉन टी क्यूब, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव. अभी देखिए आपका क्वेश्चन तो ये आया ना जी डैश, अब वो कहता है जी डैश माइनस वन निकालिए, जी डैश टू निकालिए, और जी डैश अंडर रूट थ्री निकालिए. देखिए जी डैश माइनस वन, तो जहां t को मैंने अब क्या रखना है, t की जगह क्या लिखूंगा, माइनस वन, या राइट साइड पे b करें, t को माइनस वन रख दें, माइनस वन की पावर थ्री विल बी माइनस वन, पता है ना, तीन दफा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा टू, तो g डैश माइनस वन का आंसर क्या आ गया, टू.
अब उसने कहा जी डैश टू निकालिए, तो टी की जगह टू रख दो, ये जी डैश टू बन जाएगा और यहाँ टी की जगह टू रखेंगे, टू के पास थ्री इज एट, कैंसिल होके माइनस वन बाई फोर, तो द आंसर ऑफ जी डैश टू इज माइनस वन बाई फोर। सिमिलरली जी डैश अंडर रूट थ्री का है उसने, तो ये देखिए आपके पास जी डैश टी का एक जनरल फॉर्मूला आ गया ना आपने जो निकाला अभी डायरेक्ट, टी की जगह आप रखेंगे अंडर रूट थ्री, रखिए अंडर रूट थ्री, माइनस टू एज इट इज, थ्री टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और थर्ड फैक्टर ऐसे ही रहेगा अंडर रूट। ये बात समझ में आएगी, अंडर रूट थ्री पार थ्री दो दफा मल्टीप्लाई करने से वो थ्री बन जाएगा और तीसरा ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो आंसर इज जी डैश अंडर रूट थ्री इज माइनस टू डिवाइड थ्री। जी पूछिए सर, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा दिखाइएगा, ऊपर करें। ये ले आपका क्वेश्चन आ गया। हाँ पूछे, बस सही सही है सर, मैं तो पूछना ही था, मैंने एक चीज दोबारा देखी। हाँ ठीक हो गया। इज दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। हाँ वेरी सिंपल, आपने डेफिनेशन अप्लाई की है डेरिवेटिव की, जी टी दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, जो आंसर आया फिर हमने जैसे जैसे उन्होंने तीन सवाल पूछे थे जी डैश माइनस वन जी डैश टू जी डैश थ्री कर लें। चलो हमारे पास अभी 8 मिनट बाकी हैं, एक सवाल और कर लेते हैं उसके बाद ख़त्म, फिर हम अगला सीरीज करेंगे क्वेश्चंस की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने खुद मैंने करना चाहा था कि आप देख लें। अब ये फंक्शन आर और एस का दिया हुआ है, आर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एस इज द इंडिपेंडेंट। आर एस दिया हुआ है तो आर प्लस एस प्लस एच निकाले, हम हमेशा इसमें एस की जगह एस प्लस एच ले लेते हैं, एक्स होगा तो एक्स प्लस एच ले लेंगे, टी था तो टी प्लस एच ले लिया, याद है ना? अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा। टू और एस की जगह मैं लिख रहा हूँ एस प्लस एच, तो ये एस प्लस एच टू से मल्टीप्लाई होगा, टू एस प्लस टू एच प्लस वन, डन। ये समझ में आ गया? हाँ क्या ना बोलो, नहीं समझ में आ रहा सर? ओके सर, वेरी इजी। अब r डैश बाय डेफिनेशन क्या होगा, r डैश s क्या होगा, लिमिटेशन इनटू जीरो, r टाइम्स s प्लस h माइनस r टाइम्स s, r इनटू s, r इनटू s, यानी r इसका फंक्शन लेंगे s प्लस h का और माइनस करेंगे r फंक्शन ऑफ s डिवाइडेड बाय h, s टेंड इनटू जीरो। ये आपने डेफिनेशन है, पुट कर दीजिए वैल्यूज, और s प्लस h की वैल्यू आपने निकाल रखी यहाँ रख दें, आर एस की वैल्यू निकाल रखिए यहाँ रख दें, एच एज इट इज एच टेंड इनटू जीरो। अब मैंने कहा था ना अंडर रूट में आ रहा हो तो हम रैशनलाइज करते हैं टू इवेलुएट द लिमिट, और रैशनलाइज करने का तरीका क्या बताया, पहले तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिख लें, पूरी एक्सप्रेशन जो है आपके सामने ऐसे ही लिख लें, और ऊपर नीचे किससे, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर कैसे आएगा, जस्ट इंटरचेंज द साइन, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, ठीक है? तो प्लस लगा दिया हमने यहाँ पे, और ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन, ये वाली जो डिफिकल्ट टर्म होती है ना उसको उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो अप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, और सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, इसका अंडर रूट खत्म हो गया, सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिया, इसका अंडर रूट खत्म हो गया, एंड डिवाइडेड बाई एच इंटू दिस सेकेंड फैक्टर जो डिनोमिनेटर में ऐसे रखने, और इसकी ब्रैकेट यहाँ बंद कर लीजिएगा, मुझसे बंद नहीं हुई है ये, स्टार्ट तो मैंने कर दी, यू कैन क्लोज इट। आफ्टर दैट ओपन द ब्रैकेट्स इन द न्यूमरेटर, तो 2s प्लस 2h प्लस 1 एज इट इज, यहाँ जगह ये माइनस 2s और ये माइनस 1, ओके, तो माइनस 2s माइनस 1 एंड 2s ये सब कट जाएंगे, ओनली 2h विल बी लेफ्ट इन द न्यूमरेटर, एच को भी आप कैंसिल कर दीजिए, ऊपर नीचे मौजूद है, अब ये एक ही टर्म है ना, तो यू कैन कैंसिल एच। अब आपके पास वो जो ट्रबल था ना, ये एच जो दे रहा था वो खत्म हो गया, नाउ यू कैन पुट द लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो वेयर एवर यू सी एच टर्म्स यू पुट एज जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये बचेगा आपके पास अंडर रूट टू एस प्लस वन और प्लस अगेन टू एस प्लस वन, तो दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो इट विल बिकम टू टाइम्स under root 2s plus 1, 2 will again be cancelled, so 1 upon under root 2s plus 1, this is the derivative of rs, to r, r is the function s ka,
उसका रूट टू एस प्लस वन, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया आर डैश एस, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू एस प्लस। अब उसने कहा आर डैश जीरो निकाले, तो आर डैश एस पता है, एस की जगह आपने क्या रखना है जीरो, तो जीरो रख दिया, तो वन अपॉन अंडर रूट वन इज सिंपली वन। फिर कहता है आर डैश वन, तो इंस्टेड ऑफ एस यू पुट वन, एस को वन रखूंगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा अंडर रूट थ्री। देन आर डैश वन बाई टू, एस की जगह वन बाई टू रखा, टू से मल्टीप्लाई रहा, टू विल बी कैंसल्ड, वन ओवर वन प्लस वन दैट इज अंडर रूट। एनी प्रॉब्लम टू एनी बडी यू वॉन्ट टू आस्क, पूछिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को है और अंडरस्टूड? देखिए जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था लिमिट, हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट, वो सारा भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है ना, रेशनलाइजेशन का मेथड है अंडर रूट में है, तो कैसे इवेल्युएट हम कर रहे हैं बाय रेशनलाइजेशन। या एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, बोलिए। नो सर। वेरी गुड। ये जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं समझते हैं, दे ऑलवेज रिमेन विद मी, जब मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप, कहीं भी स्टेप आपको कभी भी समझ में ना आए आप पूछ लें। देखिए पढ़ाते वक्त यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, लेकिन मैं अभी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, मिड में पहुँचा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुई और बीच में आके दो चार बच्चे गए मेरी लगा दें, वो है डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको हमेशा ये समझाता हूँ कि देखो आप जितना लर्न करेंगे ना एटिकेट्स, लुकेंगे पढ़ा लिखा तमीज़दार इंसान, और अगर आपके बिहेवियर से ये इस तरह का नज़र आएगा ना स्टाइल, तो देखिए आगे चल के आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे जॉब करनी है, एक सोसाइटी में बैठना है उठना है, तो आपका जो अंदाज गुफ्तगू होता है, अंदाज नशिस्त व बर्खास्त होता है उठना बैठने का, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और तालीम अगर किसी की पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में काम ना आ सकी तो फिर तो उसने बस वगैरह ना गधे भी किताबें ला दी गई, वो गधे का गधा रहता है, उसके बिहेवियर में कोई तमीज नहीं है, बात करने का स्टाइल कोई नहीं है, और फिर ये फैमिली बैकग्राउंड को भी शो करता है तालीम के अलावा कि हाउ मच द एटिकेट्स योर पेरेंट्स हैव टॉट टू यू। हर बात में आर्गुमेंट नहीं किया करें, पहले ब्रेक ही सुन लें, जब सारी बात समझा दें फिर आप बड़े तरीके से कहें कि सर एक्सक्यूज में मैं आपसे कुछ पूछूं, आपसे पूछूं, वो भी खुशी से आपको जवाब देगा। मगर अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई और आप आगे से कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें और आप समझें कि यू नो बेटर देन योर टीचर, तो फिर यू नो नथिंग। वी आर लेफ्ट विथ वन एंड हाफ। देखिए मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, डिफरेंशिएट द फंक्शन वाई पुट एफ एक्स इक्वल टू एट अपॉन अंडर रूट एक्स, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है, फाइंड ये पेपर में दे दूंगा सवाल का, बीच तरह का आसान है लेकिन सीख लो। गिवन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच मैंने कहा था ना, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो, ये आ गया। तो बाई डेफिनेशन एफ डैश एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये वैल्यूज पुट कर दें एफ एक्स प्लस एच की, यहाँ पे एफ एक्स की रख दें एफ एक्स, ये वैल्यू है। एज यूजल आप एल सी एम लें, ये एल सी एम आ गया, ये जो एच है हम मैंने कहा था ना नीचे चला जाएगा, एच अपॉन एच, और क्या होगा, ये एल सी एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप फिर रैशनलाइज करेंगे, ओके, ये चीज़ ऊपर है, ये मैंने ऊपर रख दी, इसका साइन बदलें, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट को रैशनलाइज कीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, ये सब कुछ ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस एच बचेगा, ये एच आप इस एच से कैंसिल कर दें, ठीक है। एक फैक्टर यहाँ से आएगा, एक फैक्टर यहाँ से आएगा, लिमिट कर दें एच को जीरो, ये बचा, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। जब डेरिवेटिव में आप